लापरवाही को बाली क्षेत्र में दो छात्राओं की लापता होने के मामले में पुलिसिया लापरवाही के चलते बुधवार को छात्राओं के परिवार के सदस्यों ने कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस की मांग मनोरा व स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से धरना खत्म हुआ। अब परिवार के लोगों ने 3 सितंबर तक पुलिस को राजफास करने का अल्टीमेटम दिया है। कस्बे के मोहल्ला बेहटी से 6 सितंबर को दो छात्राएं संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी। घटना के 14 दिन बीतने के बाद भी पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई। इस बीच छात्राओं के परिवारजन SP से लेकर जिले की प्रभारी मंत्री रीता बहुगुणा जोशी पद से मुलाकात कर मामले में इंसाफ मांगा, लेकिन फिर भी नतीजा नहीं निकला। इससे निराश एक छात्रा के पिता व माता हाथ में इंसाफ चाहिए पत्ती लिखी पकड़ कर कोतवाली पहुँचे। यहाँ बुधवार को इन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार के साथ जनसमूह देख कर कोतवाली में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा काफी खुशामद करने व स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद लोग माने, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। साथ ही कोतवाली चैंपियन लाल ने 3 सितंबर तक घटना का खुलासा करने का वादा किया। महरपुर से बलराम मिश्रा की रिपोर्ट SKH न्यूज़।